हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो, और ये बहुत जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल चीज़ें जो है आपको मालूम चलने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, अगर आपके रिलेटिव में कोई प्रेग्नेंट है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उसके साथ, और आप सोशल मीडिया भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग प्रेग्नेंट होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। अगर आप नहीं भी हैं प्रेग्नेंट तो आप भी देख सकते हैं ये वीडियो को। आपको भी कुछ यूज़फुल चीज़ें जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाली है वो पता चल जाए। पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का जो बेल आइकन बना हुआ है उसको क्लिक करके, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहें। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट। मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप दो ज़िंदगी आपके साथ जुड़ी हुई है, एक आप और एक आपका बच्चा। तो आपको अपने से ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान देना है, इसलिए आपको अपना बहुत ज़्यादा केयर करना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाना है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। हेल्दी, अगर आपको हेल्दी का मतलब नहीं पता है आपको क्या क्या खाना है, आपको ये भी नहीं पता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास पहले तो सबसे पहले आप अपने लिए बहुत अच्छी डॉक्टर का कोई जिससे आप सेटिस्फाइड है, जिसके सामने आप सारी चीज़ें बता सकते हैं, जो आपकी बातों को समझ रही है, वैसे डॉक्टर का आप अपने लिए पूरी प्रेगनेंसी में वैसे डॉक्टर को चुनिए, ताकि वो आपकी भी प्रॉब्लम समझे, वो आपको अच्छा सलाह दे सके, जिससे आप कंफर्टेबल होके आप बात कर सके। आप वैसे डॉक्टर को सबसे पहले अपने प्रेगनेंसी पीरियड में आप चुनिए। और जब ये काम हो जा रहा है तो देन आपको मेडिसिन जो वो रिकमेंड कर रही हैं, तो बहुत लोग क्या होते हैं ना कि मेडिसिन एक दिन स्किप कर दिए, दो दिन स्किप कर दिए, मंथ में दो तीन दिन स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिसिन आपको स्किप नहीं करना है, मेडिसिन आपको रेगुलरली 1 मंथ to 9 मंथ तक आपको मेडिसिन लेना है, और एक भी दिन स्किप नहीं करना है। क्योंकि पहले का कुछ और ही ज़माना होता था कि हाँ पहले आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप अपने बच्चे को और अपने को हेल्दी रखना चाहते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं, पूरे प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, तो आप मेडिसिन बिल्कुल भी स्कीप ना करें। है कि बहुत सारे प्रेगनेंसी में बहुत लेडीज़ का ये मानना होता है कि हम घर के सारे काम कर लेंगे, हम घर के सारे काम कर लेंगे, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए। बट अगर आपका मैं ये नहीं बोलती कि हर किसी के प्रेगनेंसी में हर कोई सारे काम करता है, और काम करना अच्छी भी बात है, बट अगर आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं ये काम करूँ, तो आप बिल्कुल भी ना करें। आप अपने लिए हेल्पर रख सकते हैं, आप फैमिली मेम्बर का हेल्प ले सकते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में हाउस हेल्पर को रखा था अपने लिए, ताकि मेरा हेल्प ताकि मेरे को हेल्प मिल सके। और ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती थी, मैं जैसे छोटे मोटे काम किया करती थी, जैसे खाना बनाना हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मैंने रखा हुआ था, लेकिन खाना बनाना हो गया, डस्टिंग हो गया, कपड़े फोल्ड करना, छोटे मोटे काम मैं कर लिया करती थी। और पूरी प्रेगनेंसी में आपको एक और बात का ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो आपको भारी बिल्कुल नहीं उठाना है। भारी उठाने से आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है, और आपकी पूरी प्रेगनेंसी बिगड़ सकती है, आपकी पूरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। और हेल्दी प्रेगनेंसी आपको चाहिए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में
एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन सोए रहें या फिर काम करते रहें तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको रेस्ट के साथ साथ एक्टिव भी रहना है। जैसे आप घर के अगर काम आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है कि आप काम करें, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। बट योगा आप यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा योगा आता है, जैसे लारा दत्ता का योगा, और बहुत प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मतलब लारा दत्ता का योगा बेस्ट है। आप ये बिना डॉक्टर के पूछे हुए भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा योगा है, मैंने भी किया था। और आप वॉकिंग कर सकते हैं, अगर आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है योगा के लिए तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। मेरे से सुबह नहीं जगा जाता है, मैं बहुत लेट मॉर्निंग पर्सन बन गया था कि मैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योगा करती थी, एंड देन मैं 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं वॉकिंग करती थी। अगर मुझे 7 बजे से 8 बजे तक टाइम नहीं मिलता है और किसी दिन मैं नहीं वॉकिंग कर पाती हूँ, तो मैं रात को करती थी 10 से 11 बजे तक। और मैं रात को जब मुझे नींद नहीं आती थी, जैसे और प्रेगनेंसी में आपको नींद बहुत कम आती है, आपको क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो मैं रात में भी वॉकिंग करती थी। तो मैं ये सब करती थी और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती थी, इसलिए शायद मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक चीज़ का ध्यान रखा था कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी जाए, बहुत ही अच्छी जाए, मेरे को कोई फिज़िकल इशू ना हो, मुझे कोई बेबी में इशू ना हो, मैं प्रॉपर अपना बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। और एक चीज़ और, पहले के लोग क्या बोलते थे कि आपको ना 2 लोगों का खाना है, क्योंकि खाना खाना है, क्योंकि एक अपने बेबी के लिए खाना है और एक अपने लिए खाना है, तो आपको 2 लोगों का खाना खाना है। बट आपको ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, आपको 1 ही लोगों का खाना खाना है। लेकिन वो जो टाइम लिमिटेशन होता है, आपको हर एक 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ आपको खाना है। और आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है और इससे आपके वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बेबी के लिए वेट गेन होता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इस तरीके से अपना ध्यान रखना है। आपको दूध प्रॉपर लेना है, दूध नाइट में ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं, बॉडी अलाउ करता है तब आप मिल्क ले सकते हैं, या तो आप नाइट में ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग में ले सकते हैं। मैं अक्सर नाइट में लिया करती थी, तो मुझे नाइट में खाना खाने के बाद अच्छा लगता था दूध पीना, और मैं अभी भी दूध पीती हूँ। मुझे नाइट में दूध लेना अच्छा लगता है और अभी भी मेरे को अच्छा लगता है। तो हाँ, और प्रेगनेंसी में आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी आपको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि आप रो देंगे, तो ये सिम्टम होता है। पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन उसी में आपको ट्राई करना है कि आप खुश रहें, खुश रहते हैं तो आपकी बेबी पे भी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो जाते हैं, ब्लड जो जाता है बेबी के पास वो अच्छे तरीके से और प्रॉपर जाता है। अगर आप टेंशन में रहते हैं तो जो ब्लड का जाना होता है वो थोड़ा रुक रुक के जाता है, थोड़ा कम जाता है। तो ये चीज़ें मुझे अपनी प्रेगनेंसी में मालूम चली थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए आपको बोला जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको खुश रहना है, आपको टेंशन नहीं है कि आपको 3 मंथ हर कोई नहीं मानता है, लेकिन मानना चाहिए, नज़र बहुत बड़ा चीज़ होता है। मैंने फर्स्ट वाला जो मेरा मिस कैरेज हुआ था उसमें मैंने नहीं माना था, बट इसमें मैंने माना था बाबू के टाइम पे। उस टाइम पे तो मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा था, तो मैंने सबसे बोल दिया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे हस्बैंड ने भी सबको बता दिया था कि हाँ मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। बट उस टाइम से ही मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। तो लेकिन इसमें हमने क्या किया था कि हमने 4-5 महीने तक किसी को नहीं बताया था, और धीरे 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 जैसे आपका पेट निकलता है, जैसे आप घर में रहना शुरू कर देते हो, उतना आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बाहर की चीज़ों में, तो सबको हल्का हल्का पता चलने लगता है। तो आप 3 मंथ के बाद आप बता सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में हर जगह आपको घूमने नहीं जाना चाहिए, हर जगह जैसे हम नॉर्मल
सेटल होते हैं तो हम चले जाते हैं कि नहीं हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। बट प्रेगनेंसी में आप थोड़ा इस चीज़ का प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आपको बहुत, अगर आपको लगता है कि बहुत दिन हो गया है आप कहीं गए नहीं है, तो एक बार जा सकते हैं फैमिली के साथ या फिर हब्बी के साथ। बट आपको हमेशा बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आपको उस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत लोगों का होता है कि हम तो प्रेगनेंसी में घूमे हैं, हम तो मतलब बाहर ही रहते थे। ट्रैवलिंग बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता है और आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप घर पे हैं तो अपनी केयर कर सकते हैं, उठना बैठना रहना, लेकिन ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपसे उतना केयर नहीं हो पाता। ये पर्सनली मैंने भी चीज़ें ऑब्जर्व की है कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, बट कभी जाती थी तो उतना मेरे से मैनेज नहीं हो पाता था जितना अपने घर में, अपने घर में अपने तरीके से मैं मैनेज करती थी अपने लिए और बेबी के लिए। तो आपके लिए प्रेगनेंसी का मतलब है कि आपको घर में सेफ रहना और अपने अपना केयर करना। इसीलिए बोला जाता है कि आप घर में रहिए, क्योंकि बाहर जाने के बाद क्या होता है कि अपना केयर नहीं हो पाता है। और क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जितना आप पी सकते हैं उतना आपको पानी पीना है। कम से कम सारे दिन में आपको 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर आपको लेना है। जितना लिक्विड लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं वो लेना है। और लास्ट जो लास्ट ट्राइमेस्टर जब आपका चल रहा है 7, 8, 9, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड लेना है, ताकि लिक्विड उस समय थोड़ा कम होते जाता है बेबी के अंदर, जिसमें बेबी रहता है तो थोड़ा कम होते रहता है, क्योंकि क्योंकि बेबी बड़ा होता है, ग्रो ज़्यादा होता है उसका। तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म लेना है, ताकि आपका बेबी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करे और बहुत एक्टिव रहे। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो किया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और लाइक देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो करें, ताकि मैं आपके साथ आगे भी मैं बनी रहूं, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे की वीडियो में मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकती हूं। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।